हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। सो आज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इजी मेथड से कुशन कवर, जो कि एनवेलप कुशन कवर है, जिसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने एक बेडशीट और ओल्ड ब्लैंकेट से कवर दिया था, रीयूज़ किया था और आप लोग को बहुत पसंद आया था। तो उसका भी मैं ओवरव्यू आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। एंड उसी जो बेडशीट की जो फैब्रिक थी उसके कुछ कुछ पीसेस बच गए थे, तो मैंने उनको जोड़ तोड़ के 12x12 के दो कुशन कवर भी बनाए हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली, क्योंकि फैब्रिक कम था तो एनवेलप कुशन कवर में आपको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड सेकेंड थिंग ये कि बहुत सिंपल था, बट उसके साथ मैंने उस कुशन कवर में कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी की है ब्लैंकेट से मिलता जुलता, ताकि वो एक कंप्लीट सेट सा लगे, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है एक कंप्लीट सेट बनाने का। आप दोनों में से कोई भी कॉमन चीज़ या दोनों में कोई एक कॉमन चीज़ करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेट जैसा लगता है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ फैब्रिक, जो कि बेडशीट का फैब्रिक है। लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में बिल्कुल परफेक्ट है, 12x12 के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो 12x12 का कुशन है वो कुछ इस तरीके का है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसको कट कैसे करना है। 12x12 में मतलब कि मैंने टोटल फ्रंट एंड बैक मिला के 24 इंच की लेंथ रखते हुए और एक एक इंच की फोल्डिंग एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। तो अभी इसके दोनों एंड को हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। एंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसको इस तरीके से प्लेस करूँगी जिसमें कि मैं सीधी साइड को अंदर की तरफ और उल्टी साइड को बाहर की तरफ। अब मैं यहाँ पे कुशन कवर को रख के देख रही हूँ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर आप कुशन कवर नहीं रख के डायरेक्ट बना रहे हैं तो 12x12 का साइज़ लेते हुए एक एक सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा छोड़ें चारों तरफ से, जिसमें से मैं हाफ सेंटीमीटर को अंदर की तरफ सिलाई करूँगी और हाफ सेंटीमीटर बाहर की तरफ से सिलाई करूँगी। तो अभी सबसे पहले हम अंदर की तरफ से इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो चारों तरफ से सिलाई करने के बाद अब हम करेंगे इसको सीधा। सीधा करने के बाद स्टिचिंग को अच्छे से बैठ जाए इसलिए मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद अब मैं इसको बाहर से भी हाफ हाफ सेंटीमीटर स्टिच कर लूँगी इस तरीके से, जो कि बहुत अच्छा लुक लगता है। और अब हमारा जो कुशन कवर है वो रेडी हो जाएगा। तो हमारा कुशन कवर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग करने से पहले भी कर सकते हैं, बट मेरे से कभी कभी जो है गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं इसके बाद ही यहाँ पे बना रही हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अभी यहाँ पे मैं जो नॉर्मल सिलाई होती है बिल्कुल वैसे ही, जैसे कट्ठा स्टिचिंग होती हैं और इस तरीके से जो होती हैं, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे इसके प्रिंट को ही लेते हुए यहाँ पे मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो अभी जो एंड में मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर टाइप में बनाने वाली हूँ, उसमें हल्का सा स्प्रिंग लुक आता है। तो ये भी आप चाहें तो स्टार्स बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, इस तरीके से स्प्रिंग बना सकते हैं, रोज़ेस बना सकते हैं, बट मैं रोज़ेस में जो स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं वही हल्का सा स्प्रिंग लुक दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा आपको दिखाऊँगी, ये भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लुक आता है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है जो मैंने ब्लैंकेट में फैब्रिक लगाया था पाइपिंग, उसी का ही फैब्रिक। यहाँ पे मैं इसकी एक पतली सी स्ट्रिप बना लूँगी और इसको आयरन करके मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो जब हमारा ये रेडी हो जाएगा दोनों स्ट्रिप, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अटैच करूँगी। तो अभी अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं पिंस ले रही हूँ। उसके बाद मैं जो मैंने नॉर्मल हैंड स्टिचिंग होती है उसी से ही मैं इसको भी फिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मरून और ग्रीन थ्रेड, जो कि मैंने ब्लैंकेट में भी यूज़ किए थे, उसी से ही मैं यहाँ पे इनको कर रही हूँ, ताकि एक कॉम्बो सा, एक पेयर सा, एक कंप्लीट सेट सा लगे।
सो इसके जो बॉर्डर्स हैं उस पर मैंने इस बार पाइपिंग नहीं देके इस तरीके से जो इंटरलॉक वाला पैटर्न होता है वो मैंने किया है। तो ब्लैंकेट में भी मैंने किया था कॉर्नर्स पे, तो यहाँ पे भी मैंने इसको किया जिससे कि कंप्लीट होके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मेरे दोनों कुशन कवर रेडी हो जाते हैं। तो अब देखते हैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक बहुत प्यारा सा सेट अपना रेडी कर लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड सेकंड चीज़ ये कि ब्लैंकेट वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैंने पूरा व्यू नहीं दिखाया कंप्लीट लुक जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया। एंड कुशन कवर का DIY आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।